हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। हमारे देश में ज़्यादातर लोग मोतियाबिंद नामक एक रोग के शिकार होते हैं। ये रोग ज़्यादातर शुगर के मरीजों को, जिनको शुगर होती है उनको, या फिर जो नशे के आदि होते हैं उनको ज़्यादातर होता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं इसके कुछ मोतियाबिंद के घरेलू उपायों के द्वारा आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। वैसे तो मोतियाबिंद वृद्धावस्था के दौरान आँखों में होने वाला एक रोग है, जिसके होने से आँखों से लोगों को धुंधला दिखाई देता है। इससे लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण उम्र भर आपकी आँखें सीधे रोग सूरज और अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने होने से होता है। फिर भी जब आँखों में रेडिकल्स बन जाते हैं तो बुढ़ापे में ये मोतियाबिंद का शिकार हो जाती है। ये आम समस्या धूम्रपान करने वालों के ऊपर और या शुगर के मरीजों में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि आमतौर पर अब युवकों में नशे की बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। हालांकि मोतियाबिंद, यानी जिसको सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं, सर्जरी के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो आपकी इस समस्या में बराबर मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में। पहला उपाय है बाजार में मिलने वाली गाजर मोतियाबिंद में लाभदायक होती है। आपको करना ये है कि इसका गाजर का जूस निकाल लें और उस जूस को पिएं। दूसरा, मोतियाबिंद के मरीज खाना खाते समय नींबू का प्रयोग जरूर करें, यानी जितना आप नींबू का प्रयोग करेंगे मोतियाबिंद में उतना ही फायदा होगा। तीसरा है लहसुन को सफ़ेद मोतिया का अचूक उपाय कहा जाता है। इसका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। लहसुन गर्म होता है और ये आँखों के लिए, की रोशनी के लिए और मोतियाबिंद के लिए फायदेमंद होता है। मोतियाबिंद को अगर सही करना है तो आप सब्जियों में कद्दू का सेवन करें। जो कद्दू है, जो ज़्यादातर लोग अब कद्दू की जो सब्जी है वो उसका सेवन नहीं करते हैं, लेकिन कद्दू का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कद्दू में बहुत ज़्यादा प्रोटीन विटामिन्स होते हैं। पांचवा है अच्छा व शुद्ध शहद। शुद्ध होना चाहिए, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, एवं बादाम मोतियाबिंद के लिए रामबाण होती है। सर्दियों में इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। सफ़ेद मोतिया को रोकने के लिए आप धनिया का प्रयोग करें और सीधी धूप से बचाव करें। सातवां है स्वच्छ आहार का ही प्रयोग करें। हमें ऐसा भोजन करना है जो स्वस्थ हो और स्वच्छ हो। खासतौर पर पालक का सेवन अधिक से अधिक करें तो ये भी एक फायदेमंद चीज़ है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके ये कमेंट की मैं बॉक्स में आके आप बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरे जो अन्य वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव।